मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंत्री जी में यदि शर्म हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मुझे मोदी सरकार के किसी मंत्री से इस्तीफे की कोई उम्मीद नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की है। कहा है कि मंत्री जी में यदि शर्म होगी तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, साथ में तंज भी कसा है दिग्विजय सिंह ने। कहा है कि हमें मोदी सरकार के किसी मंत्री से इस्तीफे की कोई उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार हुए रेल हादसे में नैतिकता के तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। ये रेल हादसा उड़ीसा के बालासोर जिले में हुआ है। यह हादसा कोरमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस और मालगाड़ी में टक्कर होने से हुआ। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में लगभग 233 लोगों की मौत हो गई, वहीं 900 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। इस हादसे के लिए रेल मंत्री से दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग की है। माननीय रेल मंत्री जी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उड़ीसा काडर के ही हैं और उड़ीसा में ये रेल हादसा हुआ है। वैसे तो पूर्व उदाहरण है कि एक रेल हादसे में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। हमें मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री से कोई उम्मीद इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी शर्म माननीय मंत्री जी में अगर होगी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।